गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग अवर चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ योर साइंस बुक क्लास 8th. नेक्स्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग. द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ द क्रॉप व्हेन इट इज रेडी इज नोन एज हार्वेस्टिंग. इट इज डन आइदर विद द हैंड्स यूजिंग अ सिकल. सिकल इज अ टूल बाय विच हार्वेस्टेड क्रॉप कैन बी मेड डन. इट कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ मशीन नोन एज हार्वेस्टर. नाउ अ डे सिकल इज नॉट यूज फॉर डूइंग द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स. हार्वेस्टर मशीन इज देयर विच इज डू द हार्वेस्टिंग ईजीली एंड फास्टली. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रीन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ बाई द प्रोसेस नोन एज थ्रैशिंग. बिकॉज थ्रैशिंग प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ग्रीन सीड्स वी हैव टू सेपरेट. थ्रैशिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन नोन एज कंबाइन. दिस सेपरेशन ऑफ द ग्रीन एंड द शाफ कैन ऑल्सो बी डन बाई द विनोइंग मैथड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप इज स्टोरेज. नाउ फाइनली freshly harvested crops have the moisture. We know they have the water content. They must be dried properly so that they can be stored for the longer time. So the crop should be safe from the moisture. We have to protect it from the moisture, insects, rats, microorganisms and all these. So crops are dried in the sun because by drying in the sun all the moisture, insects, rats, pesticides that are present in the crops can be killed and then they are stored in the jute bags or the metallic bins. On a large scale these grains are stored in the silos and the granaries. Here the silos are shown in the figure number A and granaries in the gunny bags are shown that are done in the godowns. By this way storage of the harvested crop can be done. Is it clear?